हेलो, कैसे हैं आप? आज हमें फिर बात करनी है अनुपात और समानुपात का, भाग पांचवा यानी कि पार्ट फाइव की बात कर रहे हैं। हमने चार पार्ट पहले पढ़ा दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप चारों वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें पार्ट फाइव की बात करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है, यदि ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताएं। आपसे ए और सी के बीच अनुपात पूछ रहा है और ए का धन बी के धन का 2/3 है। कह रहा है ए का धन यानी ए का धन है, ए का मतलब बूढ़ा होता है धन, बी के धन का यानी कि ए का जो धन है वो बी के धन का 2/3 है। यही आपका क्वेश्चन में कह रहा है। और कह रहा है जो बी का धन है वो सी के धन का 9/11 है और जो बी का धन है वो सी के धन का 9/11 है। आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। हल करना कैसे हल करेंगे, सवालों में उलझने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आपको निकालना है। आपसे पूछा है तो आपसे इसमें पूछा क्या हुआ है, ए अनुपात सी की वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। अब देखिए, ए का मान आपको पता है, बी का मान पता है, लेकिन हमको सी का मान पता रहता तो हमें यहीं से आंसर मिलने लगता, बट हमें सी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, सी का इधर जो वैल्यू गुणे के रूप में दे जाएगी तो भाग के रूप में हो जाएगी, नहीं उलट जाएगी। तो यदि हम यहां से सी की वैल्यू निकालें तो यह बी गुणे 11/9 हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप देखिए इधर जाएगी तो संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, हमें वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू इतना है और सी की वैल्यू इतना है, यानी ए अनुपात सी की बात करें तो यहां पे हो जाएगा बी गुणे 2/3 अनुपाते बी गुणे 11/9। और आपको पता है अनुपात के बीच में जब चिन्ह होते हैं तो ऐसे त्रियक गुणा कर लेते हैं, और जो ऊपर का ऊपर कटे और नीचे का नीचे कटे तो हम उसको काट लेते हैं। तो सबसे पहले काट लेते हैं, ये तीन बार में कट जाएगा, तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, और बी से बी कट जाएगा। आप यहां से देख लीजिए, अब क्या करेंगे, अब त्रियक गुणा कर लीजिए। इधर एक का गुणा 11 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, बट तीन का गुणा 2 में करें तो कितना हो जाएगा, 6। अनुपात का चिन्ह है, इधर 11 है, यानी कि ए अनुपात सी बराबर आपको क्या मिल गया, यहां से आप देख पा रहे हैं ए अनुपात सी की वैल्यू आपको 6/11 मिल गई। तो इसका जो आंसर है आपको यू मिल गया। तो इस तरह से करके आप जब ऐसी वैल्यू पूछे, ऐसे आपका रिलेशन दे दे, आपको बताना हो तो आप ऐसे लगाइए, बहुत जल्दी आप सवालों को हल कर पाएंगे। कहीं कोई दिक्कत होती हो, समस्या होती हो, तो हमेशा मैं आपसे कहता हूं, मैं बराबर आपसे कहता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उसका लिंक से आपको ज्वाइन कीजिए, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस पर जुड़िए। बहुत से स्टूडेंट उस पर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। और आप उसमें अपने जो विचार हैं हमें बताइए, हमके कहाँ प्रॉब्लम होती है, आपका जो आपका जो कमजोर पॉइंट है वो क्या है, मैथ में कहाँ चीजें नहीं समझ में आती, सब कुछ समझ में आने लगेगा। बट आपको क्या है, थोड़ा एक्टिव होकर के आपको रिस्पॉन्स करना होगा कि हमें यहाँ पे नहीं आता, ये चीजें हमें नहीं आती, आपको उसी अनुसार आपको बताया जाएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, पुरस्कार की 1800 की राशि यानी कि 1800 की राशि तीन छात्रों ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो ए का हिस्सा पूछा है, 1800 रुपए की राशि है, राशि कितनी है 1800 रुपए की है, और ए बी सी में बांटना है, ए बी सी तीन छात्रों में बांटना है। कैसे बांटा है, यानी कह रहा है ए के 4 गुना यानी ए का जो हिस्सा है उसका 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, सॉरी बी के हिस्सा आपको है, बी का हिस्सा हो का जो है बी का हिस्सा उसके 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से यानी कि जो ए है वो सी के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, यानी कि ए का 4 गुना बी का 6 गुना सी का 3 गुना आपस में बराबर है। यानी इसको लिख सकते हैं 4a = 6b = 3c है कि नहीं, आप देखिए गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। अब क्या निकालना है, हमें पहले इसका अनुपात निकाल लेना होगा, यानी कि हम पहले a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर लें, इसके बाद हमें पता चलेगा a की वैल्यू कितनी है, यानी कि a को कितने रुपए मिले हैं, यहां से हमें इसके बाद पता चलेगा। तो कैसे करेंगे, अब देखिए आपको पता है यदि हम इन केवल दो को लें, इन दोनों को लें तो कैसे होगा, 4a = 6b, इसको क्या लिख सकते हैं, a / b = 6/
चार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट आप देख पा रहे हैं दो से कटेगा दो बार में, ये तीन बार में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बट्टा b बराबर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3:2 भी लिख सकते हैं, यानी a अनुपात b बराबर 3:2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे करेंगे क्या, अब आगे की प्रोसेस आपको है, यहां से हम b और c को लेते हैं, हमने एक बार इसको लिया, अब हम एक बार इसको लेंगे b और c को, यानी कि 6b बराबर 3c, अब इसको लेते हैं तो b बटा c बराबर क्या होगा 3/6, यानी कि 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, b अनुपात c बराबर 1:2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप, लिख सकते हैं। तो आगे क्या हो गया हमारा, हमारी वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, a अनुपात b बराबर मिल गया आपको 3:2, और b अनुपात c बराबर मिल गया कितना 1:2, मिल गया कि नहीं। अब देखिए क्या ऐसे लगाते थे, इसके बाद हम इसके बाद a b c का मान निकालते थे, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे कितना होगा, इसका गुणा करेंगे इसमें 3, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 4, यानी a b c की वैल्यू आपको मिल गई 3:2:4। आपको कुल राशि बांटनी है कितनी, 1800 की राशि बांटनी है, यानी 1800 बांटना है, और पूछा किसका है, a का हिस्सा, a का हिस्सा कितना है 3, कैसे निकालेंगे a का हिस्सा बराबर कितना होगा 1800 पूरी राशि है तो हम 1800 में भाग देंगे किससे, इन सभी जो आपको अनुपातिक योग से भाग दे देंगे, तो कितना अनुपातिक योग है 4, 2, 6 और 3, 9 अनुपातिक योग है, और a का हिस्सा कितना है 3, उसी से हम गुणा कर लेंगे। काटेंगे कितने बार में कटेगा 200 बार में, और 200 का 3 में गुणा करेंगे तो 600 होगा, यानी कि जो एक हिस्से का रुपया है वो कितना है 600 रुपया है। तो ऐसे करके आप सवालों को लगाइए, कहीं कोई दिक्कत हुई तो हमें जरूर बताइएगा कि हमें यहाँ पे सर दिक्कत हो रही है या हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल आप लगाना सीख जाइएगा। अनुपात समानुपात का कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा आपका टॉपिक नहीं होगा या कोई ऐसा टाइप नहीं होगा जो आपको नहीं बताया गया हो, सभी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, एक एक करके सभी टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे, जिससे आपका कहीं से भी सवाल पूछे तो आप ये ना कहें कि हमें नहीं आते हैं या हम मैथ हमारा कमजोर है, हम मैथ में थोड़े से वीक हैं, आपको ये कहने की अब जरूरत नहीं रहेगी, आपको बता दिया जाएगा इतना कि आप सब कुछ कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका देखिए अब क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। कोई समस्या कहीं पे लग रही हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, तभी आपके समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। आगे का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि ए बी और सी के आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 और व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय रुपए 2400 रुपए में से 300 रुपए बचत करता है तो सी की बचत क्या है, सी का बचत पूछा है और कह रहा है जो ए और बी और सी हैं उनके बीच जो उनका आय का अनुपात दिया है और व्यय का अनुपात दिया है, क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। पहले इधर आय लिख लेते हैं, इधर व्यय लिख लेते हैं। जैसे मैंने पहले आपको जो इसके पहले जो पढ़ाया था पहले क्लास में, मैंने आपको आय और व्यय वाला सवाल कुछ बताए थे, बट ये टाइप थोड़ा अलग हो गया है, इसको भी देख लेते हैं। ए बी सी तीन लोग हैं, ए अब ए के जो इनका अनुपात दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या अनुपात दिया हुआ है, 3:7:4 है, यानी इनकी आय 3, 7 और 4 है, और इनका व्यय कितना दिया हुआ है, व्यय दिया है 4:3:5, यानी कि 4, 3 और 5 है। अब आप सोचिए कि 3 रुपए कमाएंगे तो 4 रुपए खर्च कैसे कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको वैल्यू बढ़ाइए, इसको कर लीजिए 3x, 7x और 4x, तो व्यय आपका बदल जाएगा कितना हो जाएगा y और y, इसका मतलब 4y, 3y और 5y, इस तरह से आपका आय और व्यय हो गया। अब क्या जो सवाल कह रहा है वही हमें बस करना है, उसी के अनुसार चलना है। सवाल क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है ए अपनी आय जो उसकी आय इसमें दिया है 2400 रुपए में 300 रुपए बचाता है, और आप सवाल में देख पा रहे हैं उसकी आय कितना है, ए की आय 3x है, तो 3x की वैल्यू बराबर है किसके, 2400 के, है कि नहीं, आपको सवाल में ही ये दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आपको कितने के बराबर होगी, काट लीजिए कितना बार में जाएगा 800,
यानी x की वैल्यू 800 पता चल गई, तो इसकी वैल्यू आपको 2400 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसका छोड़ देते हैं, हमसे केवल पूछा है c का, तो c का ही देखते हैं। 8 गुणा करेंगे 4 में तो कितना होगा 3200, इसका भी हम कर लेंगे, लेकिन समय वेस्ट करने से आपको यदि कोई फायदा हो तो आप समय वेस्ट कर लीजिए, गुणा भाग करना बड़ी चीजें नहीं है। अब आगे देखिए, और कह रहा है कि इतना है और उसका खर्च भी दिया है कि खर्च करने के बाद वो कितना बचाता है, 300 रुपए। कैसे बचाएगा, मान लीजिए उसकी आय है 2400 रुपए और वह खर्च कर रहा है 4y खर्च कर रहा है और 300 रुपए बच रहा है, तो y की वैल्यू आपको पता चलेगी कि नहीं। अब देखिए -4y बराबर कितना होगा, इसको उधर भेजेंगे तो 300 पहले से और -2400 हो जाएगा, कितना होगा -4y बराबर -2100 होगा कि नहीं होगा, 2400 में से 300 घटाएंगे तो 2100 होगा, और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस इधर भी है तो कट जाएगा, यानी कि y बराबर क्या होगा, 4 से भाग देंगे, इसमें कितना बार में जाएगा, भाग दे के चेक करिए कितना बार में जाता है, जाएगा 5 बार में, फिर जाएगा 2 बार में, फिर जाएगा 5 बार में, यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 525 रुपए आ गई। ठीक है, यानी कि एक y की वैल्यू आपको पता चल गई 525 रुपए, और आपको पता करना है इसकी आय पता चल गई 3200, तो खर्च भी पता कर लेते हैं, इसका y का मान पता चल गया तो कितना होगा खर्चा, यानी कि 5 गुणे 525 करेंगे तो कितना होगा बताइए आप, 2625 हो जाएगा। अब गुणा करके देखिए इतना ही होगा। अब क्या कह रहा है, आय और बे आपको पता चल गया, पूछा क्या है सी का, व्यय पूछा है, देख लेते हैं, कह रहा है सी की बचत क्या है, व्यय तो आपको दिया हुआ है, बचत पूछ रहा है सी की कितना बचाएगा, यानी कि 3200 रुपए कमा रहा है और 2625 रुपए खर्च कर रहा है, कितना बचेगा, यानी कि 3200 - 2625 बराबर कितना होगा, तो बराबर आपका होगा घटाएंगे कितना होगा 5, 7 और आपका इधर कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो 575 रुपए उसकी बचत हो जाएगी, सी की बचत कितनी हो गई, सी की बचत आपकी 575 रुपए हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी सवालों को लगाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं, ए बी सी एक बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं, यानी अनुपात दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, उन सब ने कुल 564 रन बनाए, तदनुसार बी द्वारा कितने रन बनाए गए, यही पूछा है बी ने कितने रन बनाए और कुल रन कितने बनाए हैं, कुल उन्होंने कुल मिलकर के 564 रन बनाए हैं, कुल 564 रन बनाए हैं और उनका अनुपात दिया है कितना, ए बी सी हैं वो बल्लेबाज हैं, तो ए अनुपात बी बराबर दिया है कितना दिया है, ए अनुपात बी बराबर 5:3 दिया हुआ है, 5:3 और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 4:5 दिया है। अब आपको बताना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी पहले ज्ञात करना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लेंगे आपका सवाल लग जाएगा, कितना होगा इसका गुणा करेंगे इसमें 20, फिर इसके बाद से इसका गुणा करेंगे इसमें यानी कि 12, इसका गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, आपका अनुपात पता चल गया, 20:15 / 12:15 ए बी सी का अनुपात आपको मिल गया। अब क्या बताना है, कुल रन उन्होंने 564 रन बनाए हैं, तो बी ने अकेले कितने बनाए हैं अनुपात में, अनुपातिक उसका जो मान है वो 12 है और पूरा अनुपातिक योग कितना है, 20, 12, 32, 15, 47, यानी कि 564 रन टोटल बनाए हैं और बी के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है, 564/47, क्योंकि इसका अनुपातिक मान 47 है और हमें बी का बताना है, तो बी का अनुपातिक मान कितना है 12, 47 इसमें भाग देंगे कितने बार में जाएगा 12 बार में, यह पूरा कट जाएगा, तो कितना होगा 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 है कि नहीं, यानी कि बी ने कुल कितने रन बनाए थे, तो बी ने कुल 144 रन बनाए थे। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें उलझने की आपको आवश्यकता नहीं थी, केवल सवाल पे आपको विशेष फोकस करना था कि सवाल हमें कैसे लगाना है, सवाल पे आप जो फोकस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, वही मेथड आपको मैं बता रहा हूं, वही चीज आपको सीखनी है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं।
कह रहा है क्रमानुसार दो वर्षों के आय का अनुपात 2:3 है। दो वर्षों के आय का अनुपात दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है। दो वर्ष के आय का अनुपात 2:3 है। इसके बाद क्या कह रहा है, खर्च का अनुपात 5:9 है, और खर्च का अनुपात कितना है 5:9 है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि दूसरे वर्ष में आय 45,000 है और प्रथम वर्ष का खर्च 25,000 है तो दोनों वर्ष की कुल बचत क्या होगी। कह रहा है दूसरे वर्ष की आपको आय 45,000 है, यानी कि दूसरे वर्ष की जो आपकी आय है वो कितना है, दूसरे वर्ष की आपकी आय 45,000 रुपए है, कितना है 45, और पहले वर्ष का खर्च कितना है, पहले वर्ष का खर्च दिया है कितना 25,000। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाएंगे। आपने देखा उसकी आय है, पहले वर्ष की आय 2 है, 2:3 है पहले और दूसरे वर्ष की आय का अनुपात, और खर्च का अनुपात इतना है। यदि हम इसको 2x और 3x मान लें तब, 2x/3x मान लें तब क्या होगा, यानी कि दूसरे वर्ष की जो आय होगी वो कितना होगी, वो 3x है, जो कि कितना दिया है 45,000 दिया है, तो x की वैल्यू 15,000, क्योंकि काटेंगे तो 45 जो है वो 3 से 15,000 बार में कट जाएगा, तो आपका आया x की वैल्यू 15,000। तो पहले वर्ष का आपका जो आय है वो कितना हो जाएगी, पहले वर्ष की आपकी आय जो है वो 30,000 हो जाएगी, दूसरे वर्ष की आपकी आय दिया है 45,000। इसको ऐसा ही रहने दीजिए। आगे सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है और प्रथम वर्ष का आपको खर्च दिया हुआ है, प्रथम वर्ष का खर्च यदि हम मान ले 5y और इसको मान ले 9y, तो प्रथम वर्ष का खर्च कितना है 5y है कि नहीं, ये प्रथम वर्ष का खर्चा। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, 5y की वैल्यू दे रहा है 25,000। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5,000, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू 5,000 आएगी। ठीक है, तो y का मान भी आपको मिल गया। अब पूछ क्या रहा है उसको देख लीजिए। तो दोनों वर्ष की कुल बचत पूछ रहा है, दोनों वर्ष की कुल बचत। अब देखिए, आपने पहले वर्ष कमाया 30,000, दूसरे वर्ष कमाया 45,000, कुल कितना कमाया, 30 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75,000 आप कमा लेंगे। ठीक है कि नहीं, आप 75,000 रुपए कमा लेंगे, और खर्च कितना करेंगे उसी को इसमें माइनस कर लेते हैं। देखिए, पहले वर्ष कितना खर्च किए हैं आप, पहले वर्ष आप खर्च कर रहे हैं 25,000, और दूसरे वर्ष खर्च कितना कर रहे हैं, y की वैल्यू आपको 5,000 दी है, 5,000 की गुणा आप कर देंगे 9 में, कितना होगा 45,000, यानी कि 45,000 प्लस 25,000 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 75,000 माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 70,000। ठीक है, 70,000, तो 75,000 में 70,000 घटाएंगे तो कितना होगा 5,000, यानी आपको कितना का बचत होगा दोनों वर्षों का मिला करके, 5,000 रुपए की बचत होगी, यही सवाल में पूछा था। तो आपका आंसर कितना आया, 5,000। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको मैं बता रहा हूं बार बार, आपने इसकी पहले की जो 4 वीडियोस नहीं देखी हैं, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। अनुपात और समानुपात सभी परीक्षाओं में लगभग पूछ लिए जाते हैं, 1 से 2 सवाल सभी परीक्षाओं में आपके बनते हैं यहां से। इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, और इस चैप्टर का जो योगदान है अगले कई चैप्टरों में इसका जो है वो स्थान रहता है, इसकी योगदान रहता है। इस चैप्टर को यदि आपको बनाना आता है तो अगले चैप्टर में भी बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के और सारे वीडियो हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं, और आज का हमारा अंतिम सवाल होगा, आज के क्लास का अंतिम सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। आइए देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है ए बी और सी अकेले किसी क्रम को क्रमशः 30 दिन 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं, उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, यदि ए की कुल आय 144 रुपए है तो बी की कुल आय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ए बी सी अकेले किसी काम को, यानी ए बी सी का अलग अलग अकेले दिया हुआ है, ए बी सी अकेले कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहा है 30 दिन में, ए कर रहा है, बी कर रहा है 50 दिन में, और सी कर रहा है 40 दिन में। ये तो इनके काम करने का स्ट्रेंथ हो गया, इनकी क्षमता हो गई, ये 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 50 और ये 30 दिन में। आगे क्या कह रहा है, इनके एक दिन की आय दिया हुआ है, एक दिन की आय कितना दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया है 4:3:2, यानी कि ए कमा रहा है 4 के अनुपात में, बी कमा रहा है 4:3:2 के रूप में, यानी कि 4:3:2, और इसको हम यक्ष मान लें, यानी कि
यक्स क्यों मान रहे हैं, ये अनुपात में है, एक दिन की कमाई इनकी यदि 4x है और इसकी 3x और इसकी 2x, तो इनकी 30 दिन की कमाई क्यों कितनी हो जाएगी, कैसे, क्योंकि ये पूरा 30 दिन काम कर रहा है, तो 30 का गुणा कर लेते हैं इसमें, इसमें भी 30 का एक कर रहा है 50 दिनों तक, तो इसमें 50 का गुणा कर लेते हैं, इसकी कुल कमाई हो जाएगी, और ये इसकी गुणा 40 में करेंगे इसका कुल कमाई हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, कह रहा है यदि ए का कुल आय 144 रुपए, तो बी की कुल आय पूछ रहा है, यानी ए का कुल आय दिया हुआ है, यानी कि 4x गुणे 30 की वैल्यू आपको दिया है कितना 144 रुपए, आपके सवाल में दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे कितना होगा, अब देखिए 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी x इधर छोड़ दें तो 144 बटा 4 गुणे 30 होगा कि नहीं, 4 भी उधर भेज दीजिए और 30 भी उधर भेज दीजिए, 4 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, यह 4 से काटेंगे 36 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब क्या काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको कितनी आई, 6/5। अब आपको पूछा क्या हुआ है, आपको x की वैल्यू मिल गई है, आपसे पूछा है b का आय पूछा है, तो b की आय कितनी है, 3 × x × 50, यानी x की वैल्यू कितनी है, 3 × 6/5 × 50, 5 से काटेंगे तो यह 10 बार में चला जाएगा, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18, 18 का गुणा 10 में करेंगे तो 180, यानी कि बी का जो आय होगी वो कितना होगा, वह 180 रुपए होगी बी की कुल आय, और हमसे बी की ही आय पूछा था, तो बी की आय आपकी कितनी हो गई, 180 रुपए होगी। आपको देखिए सवाल में पहले क्या कह रहा था, यह 30 दिन का काम कंप्लीट करता है, ये 50 दिन में और ये 40 दिन में, और इनका जो एक दिन का आय है वो अलग अलग दिया था अनुपात में, 4:3:2, तो हम इनका एक दिन का आय 4x, 3x और 2x मान लिए हैं, और तो इनकी पूरी दिन की मतलब इन्होंने जब काम कंप्लीट किया तो इनकी आय कितनी होगी, तो हमने जितने दिन में काम कंप्लीट किया है तो इन्होंने 30 दिन में किया, इन्होंने 40 दिन में, तो हमने वही गुणा कर लिया तो इनकी पूरी आय हो जाएगी, और फिर हमने उसको गुणा भाग किया तो और हमारा आया कितना, बी का आय 180 रुपए। तो इस हिसाब से आप सवालों को लगाइए, कोई दिक्कत होती है और कहीं पे कोई समस्या होती हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक से जुड़ के, उस ग्रुप से जुड़ के आप हमें उस पर बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको वीडियो कैसी लग रही हो आप हमें ये ज़रूर बताइए कमेंट्स में, क्योंकि आप जब तक इस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हम अपने हमें पता नहीं चलेगा कि आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं, या आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है ये चीज़ें हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे अच्छी लग रही हैं, ये अच्छा है, आप ऐसे बताइए, ये वाला ट्रिक्स बताइए या कॉन्सेप्ट बताइए, आपको जो पढ़ना है वो बताइए। अब देखिए बस कल का और चैप्टर है, इसका एक पार्ट और है, कल हम उसको पढ़ाएंगे, इसके बाद इसका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और उनको बोलिए चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़िए और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, वन डे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराया जाता है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।